महंगाई में पिसे आवाम पर फिर पेट्रोलियम बम गिरा दिया गया। पेट्रोल के नर्ख 14.85 रुपए बढ़ गए। नई कीमत 248.74 रुपए फी लीटर। हाई स्पीड डीजल 13.23 रुपए महंगा। नर्ख 276.54 रुपए मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमतों में 18.83 रुपए इजाफा। लाइट डीजल के रेट में भी 18.68 रुपए इजाफा। पिछले साल 233 अरब रुपए का नुकसान किया है इमरान खान की हुकूमत में IMF का माहिदा तोड़ के, तो उस माहिदे को बहाल किया जाए और उसके तहत हम कीमत फिर से बढ़ाएं। PDL के पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी आयद। साबका हुकूमत ने लेवी मरहलावार बढ़ाने का ऐलान किया था। माहिदे के मुताबिक पेट्रोल डीजल पर 70 रुपए टैक्स होना चाहिए था। इमरान खान ने IMF मुआहदा तोड़कर 233 अरब रुपए का नुकसान किया, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। अगर इनको ये पता था कि मुआहदे हैं, मजीद हम ऊपर जाएंगे कर्ज ये महंगाई को लेके, तो फिर ये आए क्यों? पेट्रोल भरता है उसके साथ हम सब्जी लेने जाएं वो भी भर जाती है, घी लेने जाएं वो भी भर जाता है, जो चीज़ लेने जाएं वो भी भर जाती है। गरीब आदमी तो गर्क हो जाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी पेट्रोल पाएगा कि खाना पूरा करे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जुल्म है। महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट की आग बुझाएं, बच्चों को पढ़ाएं या पेट्रोल डलवाएं। हुक्मरान रहम खाएं, अपने अखराजात घटाएं। मौजूदा हुकूमत ने गरीब आवाम से जीने का हक छीन लिया, शहरी फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शर्मनाक करार। IMF मुआहदे का झांसा देकर आवाम की खाल खींचने की कोशिशें काबिले मुजम्मत। PTI दौर में तेल आज से 98 रुपए सस्ता था। नाहल इम्पोर्टेड सरकार के खिलाफ भरपूर एहतजाज के अलावा आवाम के पास कोई रास्ता नहीं। सेनेटर शौकत तरीन का रद्द अमल। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब के लिए दोबारा गिनती आज होगी। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर सूबाई असम्बली का इजलास 4 बजे तलब। तमाम इदारे अदालती अहकामात की पासदारी कराएं। वज़ीर-ए-आला का इंतखाब मुकम्मल किए बगैर इजलास मुलतवी नहीं होगा। गवर्नर इलेक्शन प्रोसेस के अगले रोज 11 बजे तक हलफ लेने के पाबंद हैं। अदालत का फैसला। पंजाब असम्बली में मौजूदा अरकान की तादाद 346, हकूमती इत्तेहाद के पास 176 सीटें, नून लीग 164, पीपल्स पार्टी के 7 मेंबर्स 4 आजाद और राहे हक पार्टी का एक रुकन भी हकूमती इत्तेहाद में शामिल। अपोजिशन 168 नशिस्तों पर बराजमान। PTI के 158, काफ लीग के 10 MPA जेवान का हिस्सा। वज़ीर-ए-आला से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पिटीशन तैयार। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जाएगी। रिलीफ ना मिलने की सूरत में अपोजिशन इत्तेहाद का इंतखाबी अमल के बॉयकॉट का इम्कान। जो 20 हलकों में पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, जिस लेवल की मुदाखलत हो रही है इस इलेक्शन के अंदर, टेलीफोन कॉल कर करके मैं इंटरव्यू कर रहा लोगों को टिकट देने के लिए, 2 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि हमें अननोन नंबर से टेलीफोन आया कि आपने इनके टिकट ही लेने। जो पंजाब असेंबली में हो रहा है, यानी 2.5 महीने से जिस तरह पंजाब चल रहा है, फैसला भी आया है। वैसे मैं ये वाजे कर दूं, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा आप कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है, तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है? लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से बहरान खत्म नहीं होगा। पंजाब की वजारत आला से मुतालिक हुक्मनामे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जिमनी इलेक्शन वाले पंजाब के 20 हलकों में मुदाखलत जारी। इलेक्शन कमीशन पर किसी को भी एतमाद नहीं। ऐसी सूरत हाल में पंजाब से मजीद इंतशार फैलेगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान। हमेशा की तरह आज भी अदलिया का एहतराम करते हैं। फैसले से पंजाब में 3 माह से जारी आईनी बहरान का खात्मा होगा। हमजा शहबाज, पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। नून लीगी हुकूमत को खत्म करते करते इन्हें अपनी गिनती पूरी करने की फिक्र लाहक हो गई। मरियम नवाज का ट्वीट।
कराची में पीपल्स बस सर्विस के रूट 2 का आगाज। नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक बसें चलेंगी। बस सर्विस के तहत 7 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। शर्जील में आसमान से गिरती बूंदें और ठंडी हवाएं, मॉनसून ने रुत ही बदल दी। लाहौर, मेकवेलरी, काहना, मुगलपुरा और धर्मपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मलिका कोहसार, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। गर्मी और हब से निढाल शहरियों ने सुख का सांस लिया। कोरोना की छठी लहर, 24 घंटे के दौरान 694 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रिकॉर्ड। आर्मी चीफ का दौरा कतर, जनरल कमर जावेद बाजवा की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी और नायब वजीर आजम से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई तआवुन के फरोग पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के फरोग का इरादा। अफगानिस्तान में इंतजामी बेहतरी की कोशिशें। काबुल में कौमी जिरगा, मुल्क भर से 3,000 से ज्यादा उलमा और कबायली रहनुमा शरीक। मुख्तलिफ अमूर पर गौर। इज्तमा के बाहर फायरिंग से खौफो हिरास। गोलियां चलाने वाले अफराद जवाबी कार्रवाई में मारे गए। तालिबान का दावा। दोहा में ईरान अमरीका मुजाकरात बगैर किसी पेशरफ के इख्तिताम पजीर। जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए वाशिंगटन से नए बिलावास्ता मुजाकरात के लिए तैयार हैं। तेहरान का ऐलान। पाकिस्तान फुटबॉल के लिए अच्छी खबर, पाबंदियां खत्म। फीफा ने इंटरनेशनल रुकनियत बहाल कर दी। एनसी के मैंडेट में 1 साल की तोसी। मुल्की सतह पर खेल की सरगर्मियां दोबारा शुरू। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले जारी। राफेल नडाल ने रिचर्ड बैरनेक्स को शिकस्त दे दी।